Hello everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. For today's video, I thought let's do something different, let's do something interesting. So today we are not going to talk about skincare, tips, products and any of those things. In fact, we are going to talk about some of the trends, upcoming trends in the skincare and beauty industry, which I think are going to be huge in this year 2022. Because pichle 3 saalon mein jab se main ye kaam kar rahi hoon, I have created hundreds and hundreds of videos. और जो चीज मैंने नोटिस करी है कि स्किन केयर इंडस्ट्री में कोई भी ट्रेंड अचानक से पहले एक बूम पकड़ता है, इट रीचेस इट्स पीक, उसके बाद ओवरनाइट इट जस्ट गेट्स रिप्लेस्ड बाय सम अनदर स्किन केयर ट्रेंड एंड दिस वन जस्ट द क्रेज ऑफ इट जस्ट फेड्स अवे. एंड इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन सम ट्रेंड देन प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट दैट ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद ट्रेंड नंबर वन विच आई थिंक विल बी वेरी पॉपुलर दिस ईयर इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट स्किन केयर. सो पहले इंडिया में क्या होता था, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थे, इसलिए ब्रांड्स भी कभी अपने सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स ही पे मार्केट करते थे और पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं करते थे. लोगों को भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स अपने ऊपर लगा रहे हैं, क्या चीजें वो लगा रहे हैं. तो अब वो इंसिस्ट करते हैं कि वो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना चाहते हैं एंड व्हिच इन टर्न इज कंपेलिंग दीज ब्रांड्स ऑल्सो टू डिस्क्लोज देयर एंटायर इंग्रीडियंट लिस्ट, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया. इवन अगर लोगों को समझ भी नहीं आता है कि उन इंग्रीडियंट्स का क्या मतलब है, दे एटलीस्ट टेक द एफर्ट टू गूगल इट एंड यू नो टू लुक इट अप ऑन द इंटरनेट समवेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन इंग्रीडियंट्स का उनके स्किन पे ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी उन पे क्या फर्क पड़ेगा. सो दिस पर्सनली आई थिंक इज अ वेरी it was very much needed. So I think I really like this trend and I think this is going to be huge this year. Second trend which I think will pick up a lot of heat this year is going to be gentle hair care. So skin care ke bare mein fir bhi hame ingredients samajhna aasan hai, lekin hair care ke jo ingredients hote hain shampoos ke, conditioners ke, serums ke, wo samajhne utne zyada aasan nahi hote hain. To logon ka focus shift ho raha hai ki wo harsh chemical based jo shampoos hote hain uski jagah wo prefer karte hain. Wo specially poochte hain ki silicone free shampoo hai kya, organic शैम्पू है क्या. तो एक जेंटल अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू चूजिंग देयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स, व्हिच इज ऑब्वियसली अ गुड आइडिया. नाउ मैं भी इसके बारे में कहीं पढ़ रही थी तो फिर मैं देख रही थी कि काफी सारे ऐसे अच्छे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनके शैम्पूज एक्चुअली बहुत हार्श होते हैं, बाल बहुत टूटते हैं, लेकिन जब हम शैम्पू करते हैं तो उनका एक फील गुड फैक्टर होता है. ऑर्गेनिक शैम्पूज का उतना अच्छा फील गुड फैक्टर नहीं होता, दे फील स्लाइटली रफ बिकॉज शायद वो आपके एसेंशियल ऑयल स्कैल्प पे छोड़ देते हैं. और ये जो दूसरे वाले शैम्पूज होते हैं, इनसे शैम्पू करने के बाद बाल हमेशा हमें इसे फ्री फ्लोइंग और ऐसे स्मूथ कैसे लगते हैं. तो एक कास्टिक करके कुछ इंग्रेडिएंट होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम, कुछ इंग्रेडिएंट होता है जो ये अपने शैम्पू में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि बालों में एक रिपेल इफेक्ट क्रिएट होता है. यानी कि अगर मेरे दो हेयर स्ट्रैंड्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्री फ्लोइंग वाला इफेक्ट इज क्रिएटेड. और हम जब छूते हैं तो हमें लगता है कि बाल हमारे बहुत स्मूथ हैं बट एक्चुअली वो अंदर से बहुत वीक हो रहे होते हैं. सो दिस इज वन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आई नोटिस्ड एंड आई थॉट आई वुड शेयर इट विद यू गाइज. सो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार लोग अपने बालों के लिए भी एक जेंटल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जेंटल ऑप्शंस ढूंढना चाहते हैं, विच आई थिंक विल आल्सो बी पॉपुलर दिस ईयर. ट्रेंड नंबर 3 विच आई थिंक विल बी ह्यूज इन दिस ईयर इज गोइंग टू बी द एम्फेसिस ऑन जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स. सो अभी भी मेरे कॉमेंट सेक्शन में कई बार जो मेन होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि आई एम अ मेल सो कैन आई यूज दिस और नो, दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में मेल हूं मैं लगा सकता हूँ कि नहीं, ये सिरम में लगा सकता हूँ कि नहीं. तो अब मुझे ऐसे लगता है, पहले ऐसा होता था कि फीमेल सेंट्रिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बनते थे और मेन के लिए वो स्पेसिफाई अलग से होते थे और पहले तो बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री थी, बनते भी नहीं थे. बट अब मुझे लगता है कि जो ये सब सेरम्स और ये सब मार्केट में आ रहा है, मैक्सिमम ब्रांड्स इनको जेंडर न्यूट्रल रख के बना रहे हैं सो दैट मेन एंड वुमेन बोथ कैन यूज इट. ट्रेंड नंबर 4 विच आई थिंक विल बी पॉपुलर इन दिस ईयर इज फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर. दिस इज समथिंग जिसका लास्ट ईयर से ही थोड़ा चलन शुरू हो गया था बट इस साल आई थिंक ये फुल फ्लेज्ड फुल ब्लोन वे में ट्रेंड करने वाला है. पहले क्या होता था कि फ्रेग्रेंस इनडायरेक्टली यूज टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग डिसीजंस ऑफ अ बायर. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ ब्रांड एंड आई वर टू सेल यू समथिंग विटामिन सी बेस्ड और मुझे आपको यकीन दिलाना है कि इसमें विटामिन सी है, तो मैं उसमें एक ऑरेंजी या सिट्रसी सी कुछ फ्रेग्रेंस डाल दूंगी. अगर मैं कुछ पिगमेंटेशन के लिए हमें प्रोडक्ट बेचना है तो फिर उसमें कुछ लेमनी सा यू नो फ्रेग्रेंस डाल देते हैं वो उसमें. कुछ हाइड्रेशन के लिए बना रहे हैं तो उसमें ओशन लाइक एक्वा लाइक कुछ फ्रेग्रेंस डाल देंगे. कुछ अगर सॉफ्ट
सॉफ्ट पिंकी ड्यूई ग्लो दिखाना है तो उसमें कोई तो भी रोज एसेंशियल ऑयल या कोई भी यू नो बहुत हैवीली रोज बेस्ड सेंटेड चीज उसमें डाल देंगे, तो जो सेंट होती थी वो काफी लोगों की बाइंग डिसीजंस अफेक्ट करती थी। अभी तक भी अगर मेरे मदर के जनरेशन में मैं काफी लेडीज को पूछती हूँ तो देयर बाइंग डिसीजन सिंपली सोलली डिपेंड ऑन हाउ नाइसली द प्रोडक्ट इज स्मेलिंग एंड देन दे हार्डली केयर कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। इफ द प्रोडक्ट स्मेल्स नाइस दे वॉन्ट टू अप्लाई इट एंड दैट्स अ सैड ट्रूथ। सो आई थिंक ये एक अच्छा शिफ्ट हो रहा है कि अब लोग जो है फ्रेग्रेंस के बारे में उतना केयर नहीं कर रहे। अब पहले लोग नहीं सोचते थे कहाँ से वो फ्रेग्रेंस आ रही है, अच्छी आ रही है बट ऑर्गेनिक सोर्स है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है, एसेंशियल ऑयल से आ रही है, कहाँ से आ रही है लोगों को पता ही नहीं होता था। बट आई एम सो हैप्पी कि अब लोग इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, दैट्स नॉट आर प्रायोरिटी, वी जस्ट वॉन्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दिस आई थिंक इज अ वेरी हेल्दी ट्रेंड एंड आई रियली होप के ये कंटिन्यू करें। ट्रेंड नंबर 5 इज माई पर्सनल फेवरेट। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन somebody who's a believer of this trend and I really hope for it to get more and more popular in the years to come, and this trend is skin minimalism or the concept of or the theory of less is more. पहले कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा जब स्पेशली 2-3 साल पहले जो ग्लास स्किन का बहुत चलन चला था तो फिर कोरियन जो ब्यूटी है या फिर जो जापानीज ब्यूटी है उसके लंबे लंबे रूटीन्स होते थे, 12-13-14 स्टेप्स के रूटीन होते थे, मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो मच वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। आई नेवर अंडरस्टूड दैट। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वीडियो ऑन माई चैनल जिसपे कि मैंने कभी भी इस बारे में बात की है, बिकॉज पर्सनली आई हैव नेवर बीन अ फॉन्ड ऑफ दिस। आई थिंक ये रूटीन्स कभी प्रैक्टिकल नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते, इन्हें कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए कर नहीं सकता है, तो फिर वाई टू यू नो वेस्ट सो मच मनी एंड टाइम ओवर इट। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर ऑफ अ रूटीन दैट यू कैन रिलीजियसली फॉलो, कंसिस्टेंटली फॉलो। सो अब पीपल आर शिफ्टिंग बैक टू सिंपलर एंड शॉर्टर रूटीन्स दैट आर मोर प्रैक्टिकल, देन दे कैन स्टिक टू इट, यू नो। सो मे बी मैक्सिमम 4-5 स्टेप्स एंड यू आर डन, लाइक जस्ट क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन एंड यू गुड टू गो, लाइक दैट। इस तरह के रूटीन ज्यादा बेटर होते हैं। जो लंबे रूटीन्स होते हैं और जिनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी दूसरी डिसएडवांटेज ये भी होती है कि इफ एट ऑल समथिंग गोज रॉन्ग ऑन माय स्किन आई वुड नेवर गेट टू नो हाउ विल आई फिगर आउट दैट विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट एंटायर 14 स्टेप रूटीन मस्ट हैव नॉट वर्क फॉर मी और मस्ट हैव नॉट सूटेड मी। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस ट्रेंड से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में मिनिमल स्टेप्स वाले रूटीन्स और प्रोडक्ट्स के फेवर में बातचीत होगी एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। ट्रेंड नंबर 6 व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू बी ह्यूज दिस ईयर इज द फोकस टुवर्ड्स वेयरिंग SPF ड्यूरिंग द डे। दिस इज समथिंग जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन हैड स्टार्टेड लास्ट ईयर ओनली, बट आई थिंक दिस ईयर पीपल हैव स्टार्टेड टू टेक इट मोर सीरियसली। पहले लोगों की ना बहुत ज्यादा क्योर बेस्ड अप्रोच होती थी, यानी कि डैमेज होने के बाद वो उसको कंट्रोल करते थे। अब स्किन पे टैनिंग हो गई, डार्क स्पॉट्स पड़ गए, तो उसको अब डी टैन कैसे करें, उसको डी पिगमेंटेशन कैसे करें, उसको लाइटन अप कैसे करें। लेकिन अब लोगों की अप्रोच थोड़ी सी प्रिवेंटिव है, यानी कि वो पहले से ही सन प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं ताकि बाद में उनको डैमेज कंट्रोल ज्यादा ना करना पड़े, विच आई थिंक इज अ गुड आइडिया। ऑल्सो लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रही है डिफरेंट तरह के फिल्टर्स की, जैसे कि मिनरल सनस्क्रीन्स क्या होते हैं और केमिकल और ये सब सनस्क्रीन्स क्या होते हैं, हाइब्रिड फिल्टर्स क्या होते हैं। सो आई थिंक पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रेंड एंड आई रियली वॉन्टेड टू बूम दिस ईयर। देन द 7th ट्रेंड विच आई थिंक इज गोइंग टू बी ह्यूज दिस ईयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनस्क्रीन फॉर किड्स एंड टीनेजर्स। मैक्सिमम जो सनस्क्रीन मार्केट में होती है वो 17 या 18 साल एंड अबव के लोगों के लिए हिसाब से बनी होती है, लेकिन अभी एक ऐसा सेक्शन है, एक तो 3-4 साल की उम्र के बच्चों से लेके 10 या 11 साल तक की जो उम्र होती है, इस बीच के जो बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं, धूप में खेलते हैं या स्कूल वगैरह जाते हैं। अब जैसे जैसे उनकी मदर्स अवेयर हो रही हैं अपने लिए, तो वो अपने बच्चों के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहती हैं जिनका फॉर्मूला किड्स फ्रेंडली हो और जो उनको सन से प्रोटेक्शन दे सके। तो उस तरह के अभी मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स है नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी उस एज ग्रुप को फोकस करते हुए भी बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे ऐसे किड्स फ्रेंडली सनस्क्रीन फॉर्मूलाज के साथ। ऑल्सो जो दूसरा एज ग्रुप है वो है 12-13 साल की टीनेज से लेके 16-17 साल के बीच का जो गैप होता है। इस एज के जो टीनेजर्स होते हैं कई बार पूछते हैं कि आई एम 13 ईयर ओल्ड तो मैं ये लगा सकती हूँ कि नहीं, या मैं 14 ईयर ओल्ड हूँ मैं ये लगा सकता हूँ कि नहीं, मेरे लिए कोई सनस्क्रीन बताओ। तो आई थिंक ये जो बच्चों वाला एज ग्रुप है और ये जो टीनेजर्स वाला एज ग्रुप है, जो ऑब्वियसली 17-18 से छोटी उम्र के लोग हैं, उनके लिए मार्केट में अभी भी वैरायटी कम है इन टर्म्स ऑफ सनस्क्रीन ऑप्शंस। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स विल कैपिटलाइज ऑन दिस ईयर। देन 8th एंड द लास्ट ट्रेंड व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू पिक अप अ लॉट ऑफ हीट दिस ईयर इज गोना बी द कॉन्सेप्ट ऑफ
having more and more products in the market that help to rebuild the barrier of your skin. Because अभी कुछ time से क्या हो रहा था कि लोगों का इतना ज़्यादा ध्यान था towards the ingredients जो pigmentation के लिए designed है या anti-aging के लिए designed है या जैसे chemical exfoliation and different other methods of exfoliation were there in the market. साथ में acne वगैरह ठीक करने के लिए हम कई बार थोड़े से potent drying ingredients वगैरह use कर लेते हैं और कई बार double cleansing कई लोग बहुत harsh करते हैं. तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें करने की वजह से अल्टीमेटली हमारा बैरियर कई बार सफर हो जाता है अगर हम सही से इसको प्लान नहीं करें तो. तो अभी मार्केट में एक अवेयरनेस आ रही है कि सिर्फ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स नहीं हमको टारगेट करने की, सिर्फ फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स या पिगमेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट, साथ के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो कि हमारे बैरियर को ठीक कर सके. ये अवेयरनेस बहुत सारे 30s और 40s के एज ग्रुप में जो लाई करती हैं वुमेन स्पेशली उनमें आ रहा है. तो मुझे लगता है कि इस साल बहुत सारे बैरियर रिपेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा. एंड आई डोंट नो हाउ फार एम आई गोइंग टू बी करेक्ट बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट इट. सो दीज वर द 8 पॉपुलर स्किन ट्रेंड्स ऑफ 2022 व्हिच आई थिंक आर गोइंग टू बी ह्यूज दिस ईयर. आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला लगता है या आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है या मैंने भी कुछ मिस कर दिया और जो आपको लगता है इज गोइंग टू बी ह्यूज दिस ईयर. तो प्लीज प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद एवरीवन. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग इट. इफ यू डिड यू नो व्हाट यू हैव टू डू. इफ यू to my channel, please take a moment to subscribe. It'll mean a lot to me. I'm going to see you in my next video. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.